हेलो एवरीवन गाइस आज मैंने वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट किया है तो इसे एंड तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना तो गाइस सबसे पहले मैंने अपने पूरे फेस को क्लीन किया है उसके बाद एलोवेरा जेल लगाया है और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अपने पूरे फेस पे अच्छे तरीके से लगाया है एंड देन मैं फाउंडेशन लगाऊंगी अपने फेस पर और इसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर फैला के अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद मैं एक वेट स्पंज के हेल्प से अपने पूरे फेस पर मेकअप को ब्लेंड ब्लेंड कर लेने के बाद मैं अपने अंडर आई एरिया आई और जो भी डार्क एरियाज हैं मेरे फेस पे वहाँ पे मैं कंसेलर लगाऊंगी और उसे भी मैं ब्लेंड कर लूँगी उसी वेट स्पंज की हेल्प से गाइज स्पंज को वेट इसलिए करना है ना क्योंकि उसके बाद आपका जो मेकअप है और जो कंसीलर फाउंडेशन कुछ भी आप ब्लेंड करना चाहते हो वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इसे ब्लेंड करने में और अगर आप यूं ही ड्राई ड्राई अगर स्पंज से ही इसे ब्लेंड करने की कोशिश करोगे ना तो क्या होगा कि जितना भी कंसेलर फाउंडेशन है ना वो सब आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है स्पंज है वही एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा उसके बाद मैंने ब्लेंड करने के बाद इसे बेक किया है अपने कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से गाइज आपको मेकअप ब्लेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तभी आपका जो मेकअप है ना वो केकी नहीं दिखता है और फ्लॉलेस लगता है देखने में और आज मैं स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ तो इसके लिए मैं अपने आईलिड पे अच्छे तरीके से काजल को लगा लूँगी और इसे स्मजर की हेल्प से स्मज कर लूँगी उसके बाद मैंने अपने आई शेडो पैलेट में से गाइज ले लिया है ब्लैक कलर का आई शेडो और इसे मैं वो जो काजल मैंने ब्लेंड किए हुए है स्मच किया हुआ है अपने आई लेड पर वहाँ पर प्लेस कर दूँगी अच्छे तरीके से पूरे आई लेड पर इसे प्लेस कर देना है इससे आप फैला मत देना अपने क्रीज एरिया पर एंड देन मैं ब्राउन कलर का आई शेडो पिक करूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी और इससे हम लोग ब्लेंड करके स्मोकी लुक बनाएंगे गाइज आपको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है तभी आपका जो आई मेकअप है ना वो खूबसूरत दिखता है और अच्छा निकल के आता है उसके बाद मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी एंड देन मैं ब्लशर लगाऊँगी अपने चीक्स पे और स्माइल करके आपको अपने चीक्स पे लगाना है ब्लशर और इससे थोड़ा सा मैं झाड़ झाड़ी लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ ना जाए ब्रश में और वो बहुत गंदा लगता है देन मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी हाईलाइटर जो कि मेरा फेवरेट है क्योंकि इससे ना फेस चमकने लगता है आपका बहुत ज़्यादा ही और बहुत प्यारा प्यारा लगता है बहुत क्यूट सा लगता है एंड देन मैं काजल लगाना भूल चुकी थी तो मैं अब सारे मेकअप के बाद काजल लगा रही हूँ एंड फिर आई शेडो से नीचे एक समझी सा लुक दे रही हूँ गाइज़ ये है मेरा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना गाइज और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना क्योंकि अभी वेडिंग सीजन आ ही रही है और इस वेडिंग सीजन में किसी की हेल्प कर दो आप ये प्यारा सा मेकअप लुक भेज के तब तक के लिए बाय